हर महीने अपना राशिफल देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलें। हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं हेमंत बरुआ एक बार फिर से आपका आपके चैनल प्लैनेट्स एंड हाउसेस में स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे कन्या राशि मतलब वर्गो जोडियक साइन वाले जातकों के लिए अगस्त और सितंबर के महीने में भाग्य, जॉब, बिजनेस, परिवार, वैवाहिक जीवन, प्रेम संबंध, शिक्षा, संतान और स्वास्थ्य कैसा रहने वाला है। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बताना चाहूँगा कि ये राशिफल अगस्त और सितंबर दोनों माह के ग्रह गोचर पर आधारित है और ये राशिफल चंद्र राशि और चंद्र लग्न दोनों के लिए मान्य है। और यदि आपको अपनी चंद्र राशि नहीं मालूम है या इसे लेकर आपको किसी भी तरह की कंफ्यूजन है तो आप खुद सिर्फ एक मिनट में अपनी चंद्र राशि जान सकते हैं। मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में एक वीडियो का लिंक शेयर किया है, इसे देखकर आप खुद सिर्फ एक मिनट में अपनी चंद्र राशि जान जाएंगे। दोस्तों, मैं इस वीडियो को बहुत ज़्यादा लंबा या जटिल नहीं बनाना चाहता हूँ, इसलिए हम ग्रह गोचर के बारे में बहुत ज़्यादा चर्चा नहीं करेंगे। आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि कौन कौन से ग्रह किस दिन किस राशि में गोचर करेंगे, परंतु इनकी वजह से जो भी संभावित बदलाव आपके जीवन में होंगे हम सीधा उनके बारे में ही बात करेंगे। तो आइए सबसे पहले बात करते हैं भाग्य के बारे में। दोस्तों, आपके भाग्य के स्वामी शुक्र हैं जो 15 अगस्त तक आपके लाभ स्थान में कर्क राशि में गोचर करेंगे और साथ में सूर्य, मंगल, बुध भी गोचर करने वाले हैं। इशारा एकदम साफ है कि अगस्त माह की शुरुआत आपको बहुत शुभ समाचार देने वाली है और ये समय आपके लाभ के प्रति आपको थोड़ा सा चिंतन अवश्य दे सकता है, मतलब आप अपने लाभ को लेकर काफ़ी उत्सुक भी रहने वाले हैं। आपके भाग्य स्थान के स्वामी 15 अगस्त के बाद सिंह राशि में एक बार फिर से गोचर करेंगे और ये आपको लंबी दूरी की यात्रा या विदेश यात्रा भी दे सकता है, परंतु साथ में ये थोड़ा सा आपको स्वास्थ्य संबंधित चिंताएं भी दे सकता है या कहें कि समस्या दे सकता है। आपको अपने खाने पीने में बहुत ज़्यादा ठंडी चीज़ों से बिल्कुल परहेज करना होगा। आइए बात करते हैं कि जॉब के नज़रिए से समय आपके लिए कैसा रहने वाला है। दोस्तों, आपके कार्य क्षेत्र के स्वामी जो हैं वह बुध हैं जो 3 अगस्त के बाद कर्क राशि में गोचर करेंगे और फिर 26 अगस्त के बाद सिंह राशि में गोचर करेंगे और ये फिर एक बार फिर से 11 सितंबर के बाद कन्या राशि में गोचर करने वाले हैं। कहने का अर्थ है कि ये आपको लाभ और खर्चों के प्रति थोड़ा सा चिंतन अवश्य देने वाले हैं। आप अपनी आय वृद्धि चाहते हैं और खर्चों से भी आप परेशान हैं। बुध का सितंबर माह में गोचर आपको इन सभी चिंताओं के प्रति बहुत बड़ी राहत देने वाला है, क्योंकि 11 सितंबर के बाद बुध आपके चंद्र लग्न से गोचर करेंगे और अपनी ही राशि कन्या राशि से गोचर करने वाले हैं। ये बहुत बड़ा संकेत है कि आपको आय में वृद्धि मिलेगी और कार्यक्षेत्र में भी आपके कार्य की प्रशंसा होगी और कार्यक्षेत्र में आपका सम्मान भी बढ़ेगा। आइए जानते हैं कि बिजनेस के नज़रिए से अगस्त और सितंबर के माह आपके लिए कैसे रहने वाले हैं। बिजनेस में आपको अपने प्रयास जो हैं वह बना के रखने होंगे और पुराने तरीकों को थोड़ा सा बदलना भी होगा। सिर्फ भाग्य के बल पर आप अपने लाभ को बढ़ाने की बिल्कुल भी ना सोचें। आपको अपने लाभ को बढ़ाने के लिए नई तकनीकों का सहारा लेना चाहिए। समय बहुत बदल चुका है, जो कार्य करने के लिए आप खुद बहुत समय लगा सकते हैं वही कार्य तकनीक के माध्यम से या कहें कि टेक्नोलॉजी के माध्यम से आप कुछ मिनटों में कर सकते हैं। और यदि ज़रूरत हो तो आप अपना कुछ कार्य आउटसोर्स भी अवश्य करें और अपनी ऊर्जा सिर्फ और सिर्फ बिजनेस प्लानिंग और बिजनेस डेवलपमेंट में केंद्रित करें, क्योंकि सितंबर माह आपको इस तरफ इशारा देता है, इस तरफ जो ग्रह गोचर हैं वह इस तरफ इशारा करते हैं कि यदि आप अपने बिजनेस को सही तरीके से प्लान करेंगे तो इससे लाभ अर्जित करने में भी
आप कामयाब रहेंगे। और कोई भी बड़ा लेन देन करने से पहले आप जो कागजी कार्यवाही है उसे अवश्य करें, और जहाँ तक संभव हो अपने आप को कोर्ट कचहरी के मामलों से भी दूर रखें, क्योंकि इसमें आपका पैसा और आपकी ऊर्जा ही वेस्ट होगी। और यदि पारिवारिक नज़रिए से देखें तो ये माह आपको परिवार में बहुत सकारात्मक ऊर्जा देने वाला है। परिवार के लोगों के प्रति आपकी अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी। बस इसलिए अब किसी भी तरह की ईगो या एटीट्यूड को अपने व्यवहार में बिल्कुल भी ना आने दें। वैसे तो आप परिवार के प्रति भावुक हैं, परंतु जो अशुभ ग्रह गोचर है उसकी वजह से आपके अंदर कहीं ना कहीं थोड़ा सा चिड़चिड़ापन है और थोड़ा सा आक्रोश भी है। इसलिए अब समय है कि पापी ग्रह गोचर की वजह से जो भी आपके संबंधों में, पारिवारिक संबंधों में जो नुकसान हुआ है, आप उसे अपने व्यवहार में थोड़ा सा सकारात्मक बदलाव लाकर सुधार सकते हैं। अपने आप को थोड़ा सा आपको अप्रोचेबल बनाना होगा, मतलब सहज बनाना होगा, और परिवार में आपको समय भी देना होगा, और परिवार में आपको पूरे संयम के साथ रहने की भी ज़रूरत है। आइए बात करते हैं वैवाहिक जीवन के नज़रिए से समय आपके लिए कैसा रहने वाला है। वैवाहिक जीवन में आप बहुत पॉजिटिव एनर्जी महसूस करने वाले हैं। ग्रह गोचर आपकी अंडरस्टैंडिंग और भावनाओं को आपके जीवन साथी के प्रति बढ़ा सकता है। बस आप अपनी सोच को थोड़ा सा लचीला बनाएं और अपनी भावनाओं को प्रदर्शित भी आप अवश्य करें, और पुरानी बातों को वैवाहिक जीवन का मानक बिल्कुल भी ना माने, बल्कि बदलते वक्त के साथ अपनी सोच को भी पॉजिटिव बनाएं और वैवाहिक जीवन को मधुर बनाने के लिए अतिरिक्त प्रयास भी अवश्य करें। सितंबर माह आपके लिए बहुत शुभ रहने वाला है। बस एक बात आपसे अवश्य कहूँगा कि अपने आप को बेवजह की ईगो और एटीट्यूड से दूर रखें, क्योंकि जितना आप वैवाहिक जीवन में सहज रहेंगे उतना ही आप वैवाहिक जीवन का जो सुख है उसे महसूस कर पाएंगे। किसी भी बाहरी वजह को अपने और अपने पार्टनर के मध्य, मतलब बीच में, मतलब कोई भी अगर बाहर की कोई भी ऐसी रीजन है, किसी ने आपसे कुछ कहा या आपके पार्टनर के बारे में आपसे कुछ कहा, या कोई भी ऐसा मुद्दा है कि जो आपके और आपके पार्टनर के बीच की जो अंडरस्टैंडिंग है उसको डिस्टर्ब कर सकता है, तो आप इसको बिल्कुल भी ना होने दें। पूरे संयम के साथ अपने पार्टनर के साथ रहें, और यदि किसी भी तरह की कोई समस्या है तो उसे पूरे शांत मन के साथ सुलझाने की कोशिश करें। और यदि प्रेम संबंध के नज़रिए से देखें तो अब आप अपने आप को अपने रिलेशनशिप में बहुत क्लैरिटी के साथ आगे बढ़ाने वाले हैं। ये समय है रिश्तों में आई खटास और मतभेदों को शांत मन से सुलझाने का। इसलिए यदि किसी गलत फहमी की वजह से आपके रिश्ते टूटे हैं या उनमें किसी तरह का मतभेद पैदा हुआ है या उन्हें किसी तरह का नुकसान हुआ है, तो इस तरफ आप एक बार फिर से कोशिश करके देखें और इन्हें सुलझाने में आप काफ़ी हद तक कामयाब भी रहेंगे। सितंबर माह में ग्रह गोचर इस तरफ साफ इशारा करते हैं कि आप प्रेम संबंध में सुधार की तरफ प्रयास भी करने वाले हैं। आपके अंदर ये भाव रहने वाला है और आपकी अंडरस्टैंडिंग का जो लेवल है वह भी बढ़ेगा। आइए बात करते हैं शिक्षा के नज़रिए से समय आपके लिए कैसा रहने वाला है। दोस्तों, ये माह क्रिएटिव फील्ड से जुड़े स्टूडेंट्स के लिए विशेष रहने वाला है। आपका एनर्जी लेवल बहुत अच्छा रहेगा। क्रिएटिव फील्ड से मेरा मतलब है जो स्टूडेंट्स आर्ट्स, ग्राफिक्स, मीडिया, इंटरटेनमेंट, इंटीरियर डिज़ाइनिंग या फोटोग्राफी जैसी फील्ड से जुड़े हुए हैं, ये महीना आपकी ऊर्जा का लेवल बहुत अच्छा रखने वाला है। और आपके जो कार्य किए हुए हैं, जो आप प्रोजेक्ट, जिन प्रोजेक्ट्स पे आप काम करेंगे उसके लिए आपकी तारीफ भी होगी, आपको बहुत अच्छा मोटिवेशन मिलने वाला है। बस अपनी एकाग्रता इसी प्रकार बनाए रखें, इसे किसी भी तरह से भंग ना होने दें, और आपकी जो मेहनत है वह भी सफल होगी। और बेवजह किसी भी विवाद में ना पड़ें, आपको हर विवाद से बचना है। अपनी जो आपका जो कंसंट्रेशन है उसको आपको बचा के रखना है, उसे किसी भी तरीके से आपको भंग नहीं होने देना है। आपको अपने आप को किसी भी तरह के डिप्रेशन से और तनाव से भी दूर रखने की पूरी कोशिश करनी चाहिए। अपनी दिनचर्या को आपको बहुत अच्छे से प्लान करना चाहिए ताकि आप अपनी लर्निंग और स्टडी के लिए पर्याप्त समय निकाल सकें। समय आपके लिए शुभ रहने वाला है। आइए जानते हैं कि संतान के नज़रिए से समय आपके लिए कैसा रहने वाला है।
संतान भाव में आपको मिला जुला फल मिलने वाला है। संतान पक्ष में आप माह के अंत में बहुत सकारात्मक बदलाव महसूस करने वाले हैं और आप पाएंगे कि आपकी संतान के सोचने का जो नज़रिया है वह काफ़ी पॉजिटिव हो गया है। ये गोचर सितंबर माह में आपकी संतान में आत्मविश्वास की वृद्धि करेगा और परिवार में संतान का सहयोग भी बढ़ाएगा। और यदि स्वास्थ्य के नज़रिए से देखें तो ये माह स्वास्थ्य के नज़रिए से आपके लिए काफ़ी अच्छा रहने वाला है। जो लोग पेट संबंधित समस्याओं से परेशान हैं, अगस्त माह के प्रथम सप्ताह के बाद आपको इससे काफ़ी हद तक राहत मिल सकती है। और यदि आप कुछ व्यायाम और ज़रूरी परहेज शुरू कर देंगे तो आपको इससे काफ़ी हद तक छुटकारा भी मिल जाएगा। तो दोस्तों, इस वीडियो में आपके लिए इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो में बताई गई बातें आपके लिए सहायक सिद्ध होगी। दोस्तों, यदि आप अपनी कुंडली के हिसाब से सटीक फलादेश चाहते हैं तो आप मेरी वेबसाइट www.planetsandhouses.com पर कंसल्टेशन बुक कर सकते हैं या स्क्रीन पर दिखाए गए नंबर पे कॉल करके भी आप कंसल्टेशन बुक कर सकते हैं और आप मुझसे डायरेक्ट बात भी कर सकते हैं। और यदि आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक ज़रूर करें और कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। और सभी नए दोस्तों से प्रार्थना है कि कृपया चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को क्लिक अवश्य करें, तभी आपको मेरे सभी नए वीडियोस का तुरंत नोटिफिकेशन मिल पाएगा। अपनी वाणी को विराम देने से पहले मैं आपके लिए ये मंगल कामना अवश्य करना चाहूँगा कि ईश्वर आपका जीवन हमेशा खुशियों से भरा रखे और आप हमेशा खुश और स्वस्थ रहें। तो दोस्तों, जल्दी मिलते हैं एक और नए वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।